अरे ये क्या बात हुई यार। ये खुद हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिर से कि एक और बार खेलने वाले हैं बेस्ट ट्रकर 2 का गेम प्ले सेकेंड। तो मैंने इसके पहले एक भी एक गेम प्ले यानी पहले इसके पहले एक पार्ट खेला था इसका। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। तो लास्ट इस पर हमने वुड, हाँ शायद से हमने लास्ट टाइम कौन सा बिजनेस किया था यार, हाँ ब्रिक्स का किए थे। और जो बैंक का मनी थे हमने 4 सेफ पहुँचाए थे, यानी तिजोरिया बैंक में तिजोरिया पहुँचाई थी। तो वो दो चीज़ हमने पहुँचाई थी। और हमने ट्रेलर देखा था कि पीछे एक और ट्रेलर कितने का आता है, जैसे कि ये ट्रेलर्स रहते हैं। तो हमने इसमें से ये वाला ट्रेलर चूज़ किया था जो जिस पे हम स्टील ले जा सकते हैं, बैंक के मनी ले जा सकते हैं, और वुड स्टील ब्रिक्स और कुछ चीज़ें हम वो ले जा सकते हैं, फिश टैंक वगैरह। तो उसके लिए ये ऑलराउंडर सही है। पर मैंने आज थोड़े दिन और खेला तो मुझे इस पर थोड़ा बहुत समझा कि इस पर अगर आपको जल्दी जल्दी अमीर होना तो आपको करना है इलेक्ट्रिक पार्ट्स का बिजनेस, जो कि आते हैं कंटेनर में। तो वो हर पर पीस $600, $700, $800, $400 इसके ऊपर ही जाते हैं। तो हमें अमीर होना है तो उसके लिए हमें याला ट्रेलर खरीदना होगा जिसपे कि हम लेंगे कंटेनर्स। तो मैंने बहुत सारे पैसे कमाए और अभी 3849 यानी $3,849 है हमारे पास। पर इस पे तो हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, $49 ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़े से ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस कर रहे थे जिससे इलेक्ट्रिक पार्ट बनते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या चीज़ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वो ये है कि जैसे यहाँ पे ये ऑयल रिफाइनरी आपको दिख रही होंगी ये, और जो इस पे ये फ्यूल है तो ये 5 लीटर फ्यूल है। इस फ्यूल को बनाने के लिए हमें ऑयल देना पड़ता है। तो हम पहले यहाँ पे ऑयल देंगे और यहाँ पे और फ्यूल बनेगा। प्लास्टिक का हमें अभी अभी नहीं, बाद में काम है। तो इस फ्यूल को हम अपने ट्रक पे लेंगे और उसे देंगे हम इस शिप वाली जगह में। तो इस शिप वाली जगह में देंगे तो उससे बनेंगे हमारी इलेक्ट्रिक पार्ट्स। तो इलेक्ट्रिक पार्ट्स के लिए कंटेनर लगता है। अभी यहाँ पे 0 फ्यूल है और हमें फ्यूल के भी पैसे मिलेंगे जो हम इधर देंगे, तो $200 पर लीटर फ्यूल है। और यहाँ पे पार्ट्स, तो मैं आपको पार्ट्स की कीमत दिखा देता हूँ। जैसे इस बर्गर फैक्ट्री फूड फैक्ट्री में इसकी है $400 पर कंटेनर यानी पर इलेक्ट्रिक पार्ट्स। और फिर थोड़ा दूर जाए अगर फर्नीचर इस पर तो यहाँ पे है 600। और अगर और हम थोड़ा दूर जाएंगे जैसे इस कार वाली फैक्ट्री में तो यहाँ पे है 800। तो ऐसे जितना डिस्टेंस है उतना तो हम ज़्यादा 800 के लालच भी नहीं जाएंगे। तो आज हम इस फर्नीचर फैक्ट्री में देने वाले हैं। तो फटाफट से हम अपने ट्रक पे चलते हैं ऑयल टैंकर लगा के, और हम ऑयल रिफाइनरी से यानी ऑयल वेल से यहाँ से हम ऑयल लेंगे। तो यहाँ पे 99 लीटर ऑयल है। तो चलो चलते अपने घर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो इस पे मैंने थोड़ी सी वो की है, इस पे 67 लीटर आपको ऑयल दिख रहा है, और मैंने इस पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की यानी इसको अपडेट किया। और इसका मैंने जो ये है इंजन उसको मैंने ऑटोमेटिक कर दिया है, थोड़े पैसे लगा के इसको ऑटोमेटिक किया है। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना बिजनेस। तो अभी हम यहाँ पे है, इधर हम कंस्ट्रक्शन की तरफ पे हैं। तो हमें जाना है इधर ऑयल रिफाइनरी की तरफ। तो चलो मैं फटाफट से पहुँचता ऑयल रिफाइनरी। तो हम यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। तो हम यहाँ से देखते कोल कितना महंगा चल रहा है। अभी इलेक्ट्रिक पे कोल के $80 मिलेंगे, पर वहाँ तक का जाने में पूरे गिर पड़ जाएंगे। तो हम साधारण यहाँ से क्ले कलेक्ट करके जाते हैं। तो उसके लिए हमें ये बदलना होगा, हमें याला लेना होगा, वैसे तो यही था। तो हम यहाँ से थोड़ा सा ये क्ले भी ले लेते हैं। फटाफट से चालू करते अपना ट्रक का यार स्टार्ट।
तो यहाँ पे आप जो बटन दिख रही है इसको अगर हम दबा देंगे तो ट्रक खुद ब खुद चलेगा, बस हमें गियर चेंज करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके मैंने इसको डाल दिया फर्स्ट गियर में और ये दबाया, तो मुझे एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं, मुझे बस गियर बदलना है और हमारा ट्रक खुद ब खुद काम करेगा। तो चलो फटाफट से डालते हैं तीसरे गियर में, और हमें हमें 6,000 रुपये तो भी जमा करने के, हमारे पास 1,000 रुपये स्पेयर में रहे, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा ऑयल बहुत लगता है, यानी डीजल बहुत लगता है, ट्रक पे बहुत ज़्यादा डीजल जाता है, एक दो ट्रिप पे पूरा डीजल ख़त्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर डीजल ख़त्म हो गया तो हमें सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं टोकले बहुत पैसे लगते हैं यार, यानी हमारा ट्रक एक जगह रुक जाता है या फिर कहीं अटक जाता है तो बहुत पैसे खाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यार, मैं गरीब हो गया, मैंने कितने पैसे कमाए थे पर वो सब टो और ऑयल के पीछे, यानी ये डीजल के पीछे लग जाते, तो काट पीट के ही पैसे फिर मिलते हमें। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्ले, 84 क्ले, ये तो वैसे माइन ही है क्ले की। तो अपने ट्रक को रिवर्स कर लेते हैं हम, और शायद से एक क्ले की ब्रिक फैक्ट्री में $70 पर क्ले है। हैंड ब्रेक लगा देते, ये ऊपर जो बटन दिखी इसको दबाए तो हमारे क्ले आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है क्ले के ओर, तो फटाफट से ये जल्दी से लोड हो जाए यार। तो आज हम टोटली कमाने वाले हैं अनलिमिटेड, यानी पैसा हमें चाहिए ज़्यादा पैसा, और हमें ट्रेलर ख़रीदना है और हमें इलेक्ट्रिक पार्ट्स का भी बिजनेस करना है। तो ये अभी हमारे पास कितने आ चुके हैं, ये हमारे पास 15-16 यहाँ पे दिखा रहा है कितने आ गए हैं। तो ये भरते जा रहे, थोड़ा हम आगे ले लेते हैं ट्रक को कि अच्छे से देख पाए कितने आ गए। अरे बाप रे यार, तो पहाड़ी लग गया यार पूरा, रुक जा, अब नहीं चाहिए। 27 आ गए। तो अब हम इसे देखते हैं कौन से रूट से सेफ है। मैंने इसे एक बार यहाँ पे ले गया था मैं, तो यहाँ पे ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे बहुत सारा क्ले जमा किया था यार, ये तो गलत बात है। ब्रिक फैक्ट्री में वुड है और इस फैक्ट्री में भी हमारा सामान गया हो, कुछ कुछ सामान यार ना कैंसिल हो जाता है ना, वो फिर अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हमने इसे सेव करके रखा है अपने क्लाउड का ऑप्शन जो मैंने बताया था उससे। तो अभी हम याला रूट लेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसा, फिर ये यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से इधर। तो इस बीच जो रास्ता, यहाँ पे हमको फेरी बोट मिलेंगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि हमारे लोड गिरेगा नहीं, और फिर यहाँ से हमें यहाँ जाना है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने इधर। ये लो, एक तो ऐसे ही गिर गया, 26 हो गए। अब एकदम हम धीरे धीरे मैनुअली चलाएंगे, 2-3 गियर में ही रखना है हमको, नहीं तो वो पता है पूरे गिर जाते हैं यार, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है। और पहाड़ में अगर चढ़ना है तो तीसरे या चौथे गियर में तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रक पूरा पीछे जाता है और लोड गिर जाता है और फिर होता है भारी नुकसान, $70 का नुकसान होता है। फिर भाई गिरना नहीं यार, इसके लास्ट टाइम भी मैंने 27 ही मंगाए थे, 25 ही पहुंच पाए थे, इस बार भी अगर 25 पहुंच गए तो हमारे ₹1,000 तो कहीं नहीं गए, $1,000 तो कहीं नहीं गए थे। तो मैं फटाफट से इन्हें पहुंचा देता हूँ। तो अब हम पहुंच गए अपने कंस्ट्रक्शन में, अब यहाँ से जाएंगे हम इस फिश के, और मैंने फ़िश भी सप्लाई की थी यार इधर इधर देखिए आपको दिख रहे होंगे, मैंने इधर 2 फिश सप्लाई की थी, 2 नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही फिश किए थे यार, पता नहीं सही से बता नहीं रहा है। दादा इतना भारी नुकसान यार, एक बार में 3 का नुकसान,
और धीरे चलाना होगा। चलो तो हम आ गए फेरी बोट की तरफ, तो यहाँ पे हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हमें खुद ट्रैवल नहीं करना है, इसके लिए हमारा लोड अभी सेफ रहेगा। तो यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा देते और बोट हो गई चालू। तो अब हमारी मंजिल को बहुत ही करीब है, तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से ट्रक। चल यार निकल जा, अरे निकल जा यार, इतने से भी फंस जाता है, इतना हैवी लोड भर दिया हमने बेचारे इसुजू ट्रक में। अच्छा तो इसका नाम निशान रखा है, निशान एटलास ट्रक, पर मैंने तो ऐसा ट्रक इसुजू देखा है, तो मैं इसे इसुजू का ट्रक बोलूँगा। तो चलो एक ही स्टॉप है हमारा, आराम आराम से ले जा लेते हैं और फिर करेंगे तेल का बिजनेस। ऐसे तो हमें, अरे यार ये कितने ही गिर रहे हैं यार, मेरे कितने डॉलर्स का नुकसान हो गया अभी तक के, 70-70 करके 4 बार $70, 2000 नहीं $280 का नुकसान हो गया हमारे। हाँ शायद 280। या फिर 2000 तो नहीं, जहाँ तक तो मुझे लगता है 4 4, हाँ 280 का ही हुआ है। तो हम पहुँच गए अपने क्ले फैक्ट्री, अब यहाँ पे देंगे इन्हें क्ले। तो चलो भाई हमें हमारे पैसे दे दो फटाफट, जितना भी क्ले हम रास्ते से जा रहे थे इसलिए, ये तो हमारा सिर्फ एक बोनस हो गया समझ जाइए। तो बोनस पैसे ही हम रास्ते में खाली ना जाते हुए हमने ये ले लिया, तो इससे हमारे 5000 रुपये हो गए, $5,190 आ गए हमारे अकाउंट में। तो अब हम ट्रक को करते ऑटो मोड में और फटाफट से निकलते अपनी ऑयल रिफाइनरी। तो यहाँ से हमें अभी फ़िलहाल तो जाना है इधर, काफ़ी लंबा रास्ता है, तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्टकट लेते हैं, हम यहाँ से इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर से होते ऐसे चले जाएंगे, फिर जाते हो कि यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फ्यूल भी भराना है, क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने में आ गया हमारा डीजल, तो यहाँ से डीजल भराएंगे, तो यहीं से चलते हैं। उसके पहले हम घर के ऑप्शन में जाके अपने ट्रक पे टंकी लगा लेते हैं, टंकी, तो यहाँ से चलते और फिर अपने इस पर टंकी लगा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 5 लीटर की टंकी है ये, प्यारी छोटी सी एकदम। तो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे ईंटें तो बनी नहीं अभी तक, तो यहाँ से अब चलते हम अपने टंकी लेंगे, तेल लेने चलेंगे, तेल का बिजनेस करेंगे। चलो गियर डालो, अब एकदम हाई स्पीड में भगाएंगे, आपको भी बोर नहीं करना है ज़्यादा और मुझे भी बोर नहीं होना है। लो यार डीजल ख़त्म, अब बुलाना पड़ेगा क्रेन को, और मुझे ये काम बिल्कुल नहीं पसंद। अब आप देखना मेरे 100 रुपये कहाँ उड़ेंगे कुछ पता नहीं है, यहाँ पे हो गया मेरा फ्यूल ख़त्म। और यहाँ से फ्यूल स्टेशन काफ़ी दूर है यार, $200 तो कहीं नहीं गए यार, देख लीजिए अब ट्रेन का तमाशा। देखिए बुलाते से ही पैसे कटना चालू, नहीं बस बुलाओ और $2 करके ये पूरा 1 मिनट तक का लेगा। वैसे तो अपने ऊपर है, ये देखिए कितना धीरे धीरे लगाते हमारे ट्रेन में, हमारे ट्रक पे ये चले ही ना। चल भाई और देखो दो ट्रक भी हमको एक्सीलेट करना पड़ता है, ये ही नहीं कि वो खुद एक्सीलेट करेंगे। चल भाई जल्दी जल्दी हमको खींच के लेते हुए चल, और मैं अपने ऑयल रिफाइनरी पर बता दो। देखिए कितने यार $90 कहाँ गए किसी को पता ही नहीं, $90 का लॉस हो गया यार हमें, और $110 और $120, यानी 1 मिनट हो भी गया इतने जल्दी बस, हमसे बड़ा तो कोई बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पे तो हमें अभी फैक्ट्री बनाना है, ये रहा हमारा तेल, अब चलते हैं यहाँ तक का। चल भाई चल चल चल, तू चल सकता है, चल 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 यार, अभी $70 भी कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। ये
ये आ गया वो, फिर हमारे पैसे माइनस होना चाहिए। और ये पीछे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी आवाज आ रही है यार। अगर आपको वीडियो में आ रही होंगी तो माफ करना, पीछे बहुत डिगिंग चालू है, कंस्ट्रक्शन हो रहे तो ये भी दिमाग खराब करता है। सुबह से चालू करते तो रात तक के पूरा आवाज करते रहते हैं। और ये और पैसे खा रहे थे, $190 तो कहाँ गए तो पता ही नहीं, इतना पैसे खाता है ये टो वाला। बेचारे बच्चे की जान लेता है, हम इतने मेहनत से कमा कमा के छोटे से ट्रक पे अपना गुजारा कर रहे हैं और ये पूरे हमारे $200 खा जाता है। चलिए देखिए 5,000 का आंकड़ा गया, तो धीरे धीरे चल रहा है। पांचवें गियर में डाला, गियर भी नहीं बढ़ा। चल यार टाइम वेस्ट मत कर, पहुंच गए। चल भाग हम यहाँ से पैसे, और यहाँ का तो फ्यूल भी इतना महंगा है यार। ये देखिए ₹200 पर लीटर, सेल $0.1 दिखा था और पैसे तो ऐसे माइनस हुए, मुझे तो समझता ही नहीं है कितने लीटर माइनस हुआ क्या। यहाँ पे भर रहा है, देखिए कितने हमारे पास 960 ना, देखा ₹160 का, यानी हम डीजल ही हो गया बेचारे, इसलिए ट्रांसपोर्ट लोग गरीब रहते हैं, दुनिया ही उन्हें लूट खा जाती है। तो चलते हैं फटाफट, अभी हमारी मंजिल तो ये है। तो ये हमारी क्या है, ये माइन है, ये यहाँ पे मिलता है प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल नहीं, हमें यहाँ जाना है ऑयल वेल में। तो चलते फटाफट से, लेते हैं फटाफट से हम अपना ऑयल। तो हमें ये पाइप के जो दिख रहा है इसके नीचे हमें अपना ये गोल वाला जो दिख रहा है उसको लगाना पड़ता था, पाइप कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो फिर हमें एक बटन लगाना था जिससे कि तेल अपने आप आ जाता है, तो आप हैंड ब्रेक लगा देते हैं और इस बटन को दबाएंगे तो हमारा तेल भरना चालू। और यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर 3 4 5 ख़त्म, भर गया। चलो इंजन को करो स्टार्ट और निकल पड़ते हैं अपने। अब हमें यहाँ से जाना है 1 2 3 4 5, इस जगह में जाना है। टाइम बहुत लगेगा तो मैं वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट कर दूँगा ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी नहीं। चलो मस्त बर्फीला मौसम है, ठंडा ठंडा ठंडी ठंडी जगह में हम ले जाएंगे खोलता हुआ गर्मा गर्म ऑयल, ताज़ा ताज़ा निकला हुआ ऑयल वेल से। तो चलो फटाफट से पहुँचते अपनी ऑयल रिफाइनरी। तो हम पहुँचने वाले अपना बर्फीला सफ़र ख़त्म करके अब हम बैंक की ओर पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे है पावर स्टेशन में, अभी हमें यहाँ बैंक से होते ऑयल रिफाइनरी ज़्यादा थोड़ा छोटा ही सफ़र बाकी है। तो चलिए भी कर लेते हैं, और फ्यूल होने वाला है ख़त्म, ये है बहुत बुरी खबर। फ्यूल स्टेशन इधर है तो हम यहाँ से ऐसा रास्ता नहीं ले सकते क्योंकि एक बहुत डेंजर रास्ता, मुझे यहाँ जाना पसंद है नहीं बिल्कुल भी, बहुत कीचड़ रास्ता रहता है और यहाँ पे रोड भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड है, यहाँ पे बोर्ड लगा है, रोड नहीं है। तो यहाँ पे बुलाना पड़ता है हमें टो ट्रक और वो हमारे पूरे पैसे लूट लेते हैं। तो हम यहीं से ऐसा जाएंगे और यहाँ से लगे तो यार देखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं बैंक, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से डीजल भरा लेना सही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम पहुँचे और डीजल ख़त्म हुआ तो हमें यहाँ से भी कच्चा रास्ता लेना होगा और यहाँ से भी, दो बार कच्चा रास्ता लेने से अच्छा हम एक बार यहाँ का
रिस्क ले लेते हो, तुम यहाँ वे से इधर आएंगे, फ्यूल भरेंगे यहाँ से इधर, और फिर सीधा इस वे से होते हुए हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो चलो फटाफट से चलते अपने इस वाले एरो को क्लिक करके। देखिए जैसे इस पर आपको ये सीमेंट की रोड दिख रही है, तो जो कच्चा वाला रास्ता उस पर रहता है, इसमें पूरा कीचड़ रहता है, जिससे हमारा हल्का फुल्का सा ट्रक, छोटा सा कम पावर वाला ट्रक फंस जाता है। तो हमें तो रिस्क लेना पड़ेगा ही ये वाला, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च ना होने से थोड़े कम पैसे खर्च कर देंगे। तो फटाफट से भर लेते हैं अपना फ्यूल, ये और पैसे लेंगे। देखो कितना खुफिया रास्ता, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद आता यार, ये फॉरेस्ट का आई डोंट लाइक दिस वे। ये तो ट्रक भी हमारा अपडेटेड नहीं है और हमारे ज़्यादा पैसे भी नहीं कहीं तो अपडेट करता अपडेट ये इस रास्ते। इसलिए हम अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस इलेक्ट्रिकल पार्ट का बिजनेस करके मैं अच्छा से एक मैन TGX करके इसको ऑरेंज कलर का एक ट्रक है बोले लो। और सबसे डेंजर ये स्वाम्प रहता है, कीचड़, इस पर हमेशा करके ट्रक फंसते फंसती है यार इस पर ट्रक। निकल जा निकल जा निकल जा, यहाँ जाएंगे हमारे पैसे। आ जा भाई टो, 5190 से देखे हम पहुँच गए 4600 में, कितना बड़ा लॉस। अभी तेल देके हमें इस हमारा जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई हमारी तेल से यानी फ्यूल देके, और फिर जो फ्यूल वहाँ से हम भराएंगे वो सब लेके हमारी ये भरपाई तो हो ही जाएंगी। अरे ये क्या बात हुई यार, ये खुद फंस गया है, ये कौन सी बात है यार, ये खुद ही फंस गया, खुद टो करने यार खुद ही फंस गया यार, ये तो बात मुझे समझ ही नहीं, फालतू का कैंसिल किया इसे, खुद ही नहीं निकल पा रहा है, हमें क्या निकालेंगा, ये भी यार महान है वो, हमारे पूरे पैसे लूट रहे, जानबूझ के कर रहा हूँ कि हम इसे ज़्यादा पैसे दिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ट्रक अच्छा है पर जो ये फीस लेता बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि एक बार बुलाओ $50 दे दो और कितना भी यूज़ कर लो, हर मिनट के हर सेकंड काटता है। चल भाग यहाँ से, पहुँच गए ऑयल रिफाइनरी, तो यहाँ पे हमारे पास अभी ऑयल है तो हम ऑयल यहाँ पे दे देंगे 250 पर लीटर, तो $1,250 आ जाएंगे हमारे पास, फिर यहाँ से फ्यूल लेंगे और दे देंगे। तो चलो करते हैं क्लिक और देते हैं इन्हें फ्यूल। तो यहाँ पे भी वो सेम प्रोसेस है, अपना ट्रक ऑन करो और इस पाइप के नीचे लगा दो, वो खुद चूस लेगा हमारे, उससे हैंड ब्रेक लगा देते ही पैसे आना चालू। और ये $5,700 सुन के ही मन बहुत अच्छा लगता है। चलो फटाफट से चलते हैं। तो अब ये दे दिया, अब यहाँ से ले लेते हैं हम अपना फ्यूल। फ्यूल के लिए भी सेम काम है, यहाँ पे ट्रक को बंद करो और यहाँ से ले लो, 1, 2, 3, 4, 5 लीटर आ गया। नीचे लेके जाएंगे और भारी मात्रा में हम बेचेंगे उसे डायरेक्ट यहाँ। एक और बार देख लेते कितना लीटर है, ₹200 पर लीटर है, दो सौ कर गया ना हमको, $1,000 हमारे वापस आ जाए, $1,000 आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं, तो यहाँ पे भी रोड है तो यहाँ पे को तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे अच्छी पक्की रोड है, तो यहाँ पे ट्रक फंसेगा नहीं, बस वही है कि गड्ढे है इधर भी। तो चलो फटाफट से पहुँचते हम अपने शिप डॉक यार्ड में।
दोस्तों यार फ्यूल तो देखो कितने जल्दी ख़त्म होता है। डीजल यार इतना लीटर पेट्रोल उतर भी, डीजल उतर भी गया हमारा। डीजल भी बहुत पैसे खाता है, टंकी भी बड़ी कराना हूँ अभी, बार बार डीजल भराने की ज़रूरत ही नहीं। एक तो ट्रेन वाला पैसे लूटता है, सॉरी ट्रेन वाला तो फ्री रहता, तो वाला पैसे लूटता है, और ये दूसरा पेट्रोल पंप वाले। तो बस अभी हमारा एक ही जंक्शन बचे रहा है जिसका नाम है शिप सी पोर्ट। तो फटाफट से यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम सी पोर्ट पे, यहाँ पे देंगे हम 5 लीटर फ्यूल और $1000 अपने मुट्ठी में बंद करके निकलेंगे हम इलेक्ट्रिक पार्ट बेचने। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार अपना सेकंड ट्रेलर खरीदने के लिए, और ये डिलीवरी देके हम खरीदने आएंगे अपना ट्रेलर, जिससे हम कंटेनर चार कंटेनर घुसेड़ के ले जाएंगे उससे। पर 5 लीटर फ्यूल में कितने बन पाएंगे चलो देखते इधर। अरे तो भी पैसे आने की बहुत खुजली हो रही है मुझे, यहाँ पे जल्दी जल्दी जा यार सी पोर्ट अपना फ्यूल ले। ये आ गए 6,200, 6,400, 6,650 डॉलर। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या, यार इनने कीमत कम कर दिया, अब इसके पास फ्यूल आ गया तो अब $175। तो अब हम खरीदेंगे अपना ट्रेलर। तो चलो चलते हैं ट्रेलर खरीदने। तो जा भाई तू फ्यूल बनाते रहे, अभी हम जाएंगे और ख़रीदेंगे ट्रेलर अपना। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मुझे कौन सा ट्रक ख़रीदना है। तो जो मुझे ट्रक पसंद आया सस्ता सुंदर टिकाऊ वो भाई ये है, पर ये ट्रक यानी कुछ दिखता है ऐसा है, और पर ये है 194,800 डॉलर्स। इतने तो हम अभी कमा नहीं सकते यार। तो हम ये इवेको का ट्रक देखना होगा ख़रीदने के लिए, या फिर ऐसा ट्रक जिसके पीछे पे वो तो रही बात की बात, हम चलते जो काम के लिए हम आए हैं, ख़रीदेंगे अपना ट्रेलर जिसपे आएंगा कंटेनर। तो ये है 3,800, तो इस पर ही आएंगे हमारे इलेक्ट्रिक के पार्ट्स के कंटेनर। तो एक बार हम ख़रीदने के पहले खाली पीली का नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए चेक कर लेते हैं कि हाँ, तो ये जो साइन है इससे आप पता लग सकते हैं कि इसके लिए आपको इस लोड के लिए कौन सा ट्रेलर होना। तो यहाँ पे बने डब्बा एक और नीचे प्लेट, तो वही हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि राइट करके आपको भी समझ पा जाएंगे कि कौन से ट्रेलर के क्या। तो यहाँ पे बनी डब्बा प्लेट, तो होल्ड ऑन योर हार्ट्स प्लस दबाते ही लेंगे और ये आ गया हमारे पास एक ट्रेलर। तब हमारे पास पैसे हो गए हैं 2,850, काफ़ी भारी लॉस, पर हमारे पास एक चीज़ भी आ गई है। तो चलो राइट करते हैं और यहाँ पे बन गया एक फ्यूल पार्ट, तो इसे अपने ऊपर अभी क्या इंस्टॉल करना सही रहेगा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि थोड़े और पार्ट्स भी बनने को चाहिए ना उधर। तो अभी इलेक्ट्रिक पार्ट्स हम इधर के इधर अगर यहाँ पे डिलीवर करेंगे तो हमें कम पैसे मिलेंगे, और वही अगर हम थोड़ी दूर जाके अगर इधर डिलीवर करेंगे तो हमें उसके थोड़े ज़्यादा मुनाफा होगा। तो मैं इधर डिलीवर करूँगा, तो जब तक के वो बन रहे हम रूट एक बार देख लेते कि हम यहाँ से इधर जाएंगे, फिर यहाँ से फेरी बोट लेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर एक फेरी बोट, तो ये रास्ता भी ठीक रहेंगे, या तो फिर यहाँ से सीधा सीधा इधर इधर और फिर इधर, यही रास्ता ठीक रहेगा यार। ये फेरी बोट वाला कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से जाएंगे हम। अब देखते हैं अभी कितने बन गए हैं पार्ट्स, एक ही पार्ट बना यार, जल्दी जल्दी बना भी नहीं रहा है। तो जब तक ये पार्ट बना रहा है तब तक हम एक बिजनेस करके आ जाएंगे क्या, यहाँ से लेते हैं वुड और यहाँ पे दे देते हैं जब तक के। तो ठीक है ना, मैं स्किप कर देता हूँ वीडियो, जैसे वहाँ पे फ्यूल बनते ज़्यादा मैं जब तक के एक बिजनेस कर लेता हूँ, यहाँ से वुड उठाता और इधर बेचता, पर इधर तो वुड की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, क्या है का बिजनेस करे, इतना दूर जाना पूरा नहीं है। और यहाँ से यहाँ पे एक फिश का हो सकता है जो कि रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, यहाँ पे भी मनी नहीं है कि हम बैंक को दे सके। तो मैं साधारण यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करता हूँ, नहीं तो हम जब तक होम में जाकर ट्रक देखते हैं ना सस्ते मुस्ते टिकाऊ,
तो ये फोर्ड का एक रैप्टर ट्रक है, ट्रक नहीं, इसको क्या बोल सकते हम, एसयूवी मिनी ट्रक बोल सकते हैं। ट्रक तो नहीं है ये, ऐसी कार है, पर ये पुल कर सकती है। पर इसके लिए हमें वही, ये इसके लिए हमें वो खरीदना होगा ट्रेलर एक, तो ये महंगा काम है। तो हम साधारण से ये ट्रक एक मैं वॉल्वो का FM 410 ये वाला ट्रक खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं, 46,000 का है। नहीं तो फिर ये ट्रक है कामैड 5410 MS M2। मुझे पर इसकी डिज़ाइन थोड़ी अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद ये ट्रैक्टर है जो कि है $68,600, काफ़ी ज़्यादा है। एक बार बिजनेस चल पड़े ना, एक ट्रक होना बस, एक ट्रक जिसके पीछे एक पहले से कैरियर लगा हो, जो कि यही है बस, एक जिसके पहले से पीछे कैरियर लगा। पर ये काफ़ी महंगा है यार। और फिर जो मेरा फेवरेट आता है वो है ये वॉल्वो FH16, जो कि है 13,000, नहीं, 1,36,200 डॉलर्स का, काफ़ी महंगा ट्रक है, और ये उससे थोड़ा ज़्यादा। तो धीरे धीरे बिजनेस हम अपना बढ़ाएंगे और लेंगे ये बड़े बड़े ट्रक्स। तो अब जाके देखते कि कितना बन गया है हमारा। ये पार्ट्स तो दो पार्ट बन गए हैं, तो जब तक हम दो पार्ट को लोड कर लेते अपने ट्रक पे। यार एक गलती हो गई, वापस घर जाना हूँ, हमें इसका भी तो कैरियर चेंज करना है। अब आएंगी बात, तो ये देखिए यहाँ पे दो क्ले आ गई है जगह, तो क्रेन का काम करेंगे अभी फटाफट से। हम इसे लेंगे कलरफुल डिब्बों को और उसके ऊपर रखेंगे। तो चलो ऊपर की ड्राइविंग बटन दबा के फटाफट से इन कलरफुल डब कंटेनर्स को, यानी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को अपने ट्रक पे लोड करें। यानी 600 600 अगर हमने दो पहुँचाए तो यानी हमारे $1,200 लगेंगे हमें। और अगर हमने ₹400 में $400 के एक कंटेनर सप्लाई किया फूड फैक्ट्री को, तो हमें $800 पड़ेंगे। पर ज़्यादा दूर भी नहीं जाना होगा, तो मैं अभी अभी के लिए यही प्रेफर करता हूँ कि मैं 400 में एक बेच दूँ जाके। फिर मैं बाद में जैसे फ्री टाइम में इसे खेलूँगा, तो मैं इतना यहाँ पे फ्यूल भर दूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर बन जाएंगे, और फिर हम इसे हम फर्नीचर फैक्ट्री में सप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ कि पास के ही पास हम इसे अपने फूड फैक्ट्री में सप्लाई कर देते हैं और $800 हाथ पे ग्रैब कर लेते हैं। ग्रैब योर $800 इन योर हैंड। तो ये हो गया हमारा लोड, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मस्त ट्रेन के डिब्बों जैसे। तो अब हम निकलते अपने रोमांचक सफ़र में पैसे कमाने के। भाई ट्रक पे काफ़ी लोड आ गया है, मेरा प्यारा सा ट्रक तो इधर दे देते हैं। वो तो रोड में कितना अच्छा लग रहा है, तो एक छोटा सा ट्रक जिसके दो रंगीन डब्बे, और बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और इतना सुंदर नज़र आ रहा है ट्रेन के जैसे चल रहे हो। इससे तो अच्छा है यहाँ पे ये ऐसे, यार ये कितना हल रहा है। इससे यहाँ दो हिंजेस बने हैं जिससे कि ये बाहर नहीं गिर रहा, अगर ये नहीं रहते तो ये डब्बे यूँ खसक के गिर जाते। तो ये एक बात अच्छी है कि इससे ये पकड़ने के लिए थोड़े कॉर्नर रखते हैं, जिससे कि हमारा ट्रक, जिससे हमारे कंटेनर थोड़े सेफ हैं। तो फटाफट से अपने कंटेनर को करते हैं सप्लाई, जल्दी 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 जल्दी। तो हम पहुंच गए अपने फूड फैक्ट्री में, तो यहाँ पे हम देंगे इन्हें 4 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स चाहिए, हम दो दे देंगे इन्हें। तो चलो रिवर्स गियर में डालते हैं और बस हैंड ब्रेक लगा दो, इंजन बंद करो जल्दी से। भाई कंटेनर भाई जल्दी से इसे उतार दो। तो पकड़ो इस डब्बे को और उठा के इधर रख दो, फटाफट से $400 हमारे अकाउंट में, इतना इंस्टेंट पैसा यार। ये हो गए $3,250 अपने अकाउंट में।
अब ये पीला डब्बा क्या यार, मैं इसे डब्बा डब्बा बोल दूँ अच्छा भी नहीं लग रहा। इसका हम साइंटिफिक नेम यानी इनका नामकरण जो किया है इन कंपनी वालों में कंटेनर वही बोलेंगे। तो और आ गए हमारे अकाउंट में $400। तो अब चलते हैं हम और देखने के यहाँ पे और पार्ट बन गए क्या, और एक पार्ट बना है बस एक। तो अब हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारे दो काम हो जाए। तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे यानी ट्रेलर में, और फिर जाते जाते यहाँ से ब्रिक लेंगे और दोनों चीज़ हम यहाँ दे देंगे तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे 600 भी मिल जाएंगे और यहाँ पे ब्रिक भी। तो चलो हम घर पे जाके अपना ये वाला चेंज करके ये रख लेते हैं जिससे कि हम इसमें ईंटें लेंगे और उस पर वो अपना कंटेनर। तो फटाफट से चलते इधर। फ्यूल भी यार ख़त्म हो गया है, फ्यूल स्टेशन इधर है तो मैं एक थोड़ा लंबा रास्ता लेना होगा फ्यूल के लिए। मैंने कुछ यहाँ से इधर आना होगा और फिर यहाँ से इधर, फिर इधर जाना, फिर इधर, थोड़ा लंबा रास्ता है। फटाफट से हम ये फर्नीचर फैक्ट्री जाएंगे और वहीं पर अपने एपिसोड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो चलते हैं, चलो करो इंजन स्टार्ट। यार ऐसे खाली खाली जाना अच्छा नहीं लगता, कुछ अपने इस पर रहे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से पहुंचता हूँ अपने उधर इलेक्ट्रिकल कंपनी, इलेक्ट्रिक पार्ट्स वाली सी पोर्ट, और फिर हम मिलेंगे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए अपने यहाँ पे और इस बार हमको मिला है नीला कंटेनर। यार हर बार अच्छा मिलता है तो इसको भी रख लेते हैं अपने ट्रेलर में और फिर चलेंगे फ्यूल स्टेशन, फ्यूल भराएंगे वहाँ से अपने इस पर डीजल ट्रक में। और अब ये ट्रक हमारे कमाई का जरिया बन चुका है तो इसका भी हम एक नामकरण करेंगे यार, कुछ अच्छा सा इसका नाम रखेंगे। तो आप भी मुझे इसका कोई नाम कमेंट करो कि मैं इस छोटे से ट्रक का क्या नाम रखूँ, और मैं भी अगले एपिसोड तक ये सोचता हूँ। फिर मैं मेरे तरफ से जो नाम अगर मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड पे, यानी जो हम अगले एपिसोड जब बनाएंगे इसका बेस्ट ट्रक 2 का, तब आप अच्छा लगता है इस ट्रक के लिए तब फिर अगले एपिसोड पे हम इसका नामकरण करेंगे। तो फ्रेंड्स हम अभी जल्दी ही ब्रिक फैक्ट्री पहुंचने वाले हैं। तो हमारा कंटेनर बिल्कुल सही सलामत है और फ्यूल भी हमने भर लिया है फुल टैंक। और पैसे देखो ना बहन कहाँ, हमारे पास 6,000 रुपये, अभी 3,000 आ गए राउंड फिगर एक एवरेज। अभी इस इलेक्ट्रिकल पार्ट को बेच के और जो हमारा अभी ब्रिक्स लेने वाले उसको बेच के हमारे पास कम से कम मेरे अंदाजे से थोड़े ज़्यादा पैसे तो मिलेंगे। तो यहाँ पे 5 ब्रिक हैं तो फटाफट से क्रेन भाई साहब को बोलते कि वो चढ़ा दे जल्दी, क्रेन दो उठाओ और फटाफट हमारे ट्रक पे लोड कर दो। सबसे यहाँ पे ये हो गया तो इसे हटाते हैं और इसका पहले तो प्राइस देखते कितना है भाई। $180 का हम 80 बोल रहे थे तो ये तो मुनाफा है। तो अब हम इसे अपने जान से भी ज़्यादा ख्याल रख के इसे हम पहुँचाएंगे। तो एकदम धीरे धीरे पहले दूसरे गियर में ही चलाएंगे, एक भी गड्ढा क्योंकि $180 का है आखिर। अरे रे 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 तू भाई हल मत जगह से, एकदम हल्लू हल्लू पहुंच जा बस। अरे रे $180 क्या, इससे हमारा फ्यूल का खर्चा निकल जाएगा यार बोनस। हम भी बेचारे गरीब ट्रांसपोर्टर हैं, हमें भी देखना पड़ता है अपने, हमें अपनी फैमिली चलाना होता है बेचारा। यही एक ट्रक है। अरे रे भाई भाई धीरे भाई धीरे भाई धीरे धीरे, इसलिए ऑटोमेटिक पे डालना नहीं भाई, ऑटोमेटिक इतना रफ्तार में चलाता है कि बस। तो ये अरे रे रे, तो अब हमें शायद यहाँ पे $2,000 का हमें फ़ायदा हो सकता है इधर। तो देखते हैं हम इसे धीरे धीरे ले जाके 180 यानी 500 यानी ईंटों के हमें कम से कम
500 रुपये के ऊपर, 700-800 रुपये हमें 700 या $800 हमें ईंटों के मिल जाएंगे, और जो $600 है वो हमें ये इलेक्ट्रिकल पार्ट के मिल जाएंगे। तो एक गुड न्यूज़ कि हमारी फैक्ट्री आ गई और हम फाइनली हमारा मिशन हो गया पास। तो यहाँ पे देंगे हम सबसे पहले अपने ईंटें और देखते हैं कि ईंट कितना, तो देखते अब हमारे पास कितने पैसे आते हैं टोटल ब्रिक्स के। तो जल्दी जल्दी क्रेन भाई उठाओ हमारे ब्रिक्स और हमें पैसे दो। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं बार बार क्रेन भाई क्यों बोलता हूँ, क्योंकि क्रेन का काम मैं नहीं करता, यूजुअली जो मेरी बहन है वो करती है क्रेन का काम। मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगते हैं, तो मैं ट्रक चलाता हूँ, जब भी क्रेन का काम होता है मैं इसे बोलता हूँ, वो क्रेन चलाते हैं। तो अब हमारे पास टोटल पैसे हो गए हैं 3,666। वाह क्या ही नंबर बन गया। अब हमारा ये हो गया, हमारे पास आ गए 4,346। तो अब हम यहाँ से इसको वापस से क्लिक करेंगे और इलेक्ट्रिकल पार्ट पहुँचा देंगे, तो फिर वही क्रेन का काम। ओ भाई इतने ज़्यादा पैसे आ गए यार, मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे ये आपने देखा अभी हमारे पास इतने सारे पैसे आ गए, तो शायद आज के लिए हमारे पास इतने पैसे और जो हमने इलेक्ट्रिकल पार्ट का बिजनेस किया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा फ्रेंड्स। तो हम मिलेंगे अगले और अमेजिंग बेस्ट ट्रकर्स के पार्ट पे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको हमारी मेहनत को थोड़ा तरस आया होगा तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और कुछ बताना है या फिर इस गेम के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो।